हिंदुस्तान में रहकर खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान, क्यों हो हिंदुस्तान में? अभी बताइए, मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं चंद, और इनको खुद नहीं पता होगा। वंदे मातरम की चार लाइनें सुनना चाहता हूँ। देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की चार लाइनें सुना दो। कोई बात नहीं, सुना दो, मैंने सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति। चार लाइन सुना दो वंदे मातरम की। वंदे मातरम की देखो मुझे फिलहाल ऐसी रियलिटी निकलेगी। ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम याद नहीं है, ठीक है, वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रानी पता, जिसे देश का दा नहीं पता, वो देश के बारे में बताने लग रहे हैं। लेकिन जब से मोदी जी आए, जब से डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल गई है, जनता द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। गरीबों के लिए जिस दिन मोदी जी काम कर लेंगे, उस दिन गरीब गरीब नहीं रहेगा और वो सड़कों पर नहीं रहेगा। मैं बताता हूँ, ये बहरामपुर के अंदर एक इंटर कॉलेज दिखा दे, एक सरकारी अस्पताल दिखा दे, है क्या? जैसे लोगो, आप जैसे लोगो जो योगी मोदी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अभी बहुत विकास है इंडिया का, अगर आना है तो बैलेट पेपर से आए, ईवीएम से नहीं आए। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त हमारी मौजूदगी नोएडा में, और इन सब 2024 को लेकर चर्चा करेंगे लोगों से जो हमारे बीच साथ खड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे 2024 को लेकर, जिस तरीके से चुनाव भी माहौल चल रहा है, और भाजपा ये कह रही है 2024 में 400 पार का आंकड़ा रहेगा, और रामलला का सपोर्ट रहेगा और हम 400 का आंकड़ा पार करेंगे और 24 में फिर से सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत से सरकार आएगी भाजपा की। तो आइए, हमारे साथ बात करने के लिए बहुत सब मौजूद हैं, इनसे बातचीत करेंगे क्या रहेगी प्रतिक्रिया मोदी जी की। क्या लगता है भाई साहब, अब की बार 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए? आनी चाहिए, सरकार आएगी किसकी? मोदी जी की आनी चाहिए। डेमोक्रेसी का नाम तो वही कर रहे हैं ना। अरे, एक डेमोक्रेसी की परिभाषा हमने कभी पढ़ी थी कि लोगों का लोगों से लोगों के द्वारा, ठीक है, ऐसा शासन, ठीक है, इसे डेमोक्रेसी कहते हैं, टू द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। लेकिन जब से मोदी जी आए, जब से डेमोक्रेसी की परिभाषा बदल गई है, जनता से बदल गई। हाँ बता रहा हूँ, जनता द्वारा जनता की ऐसी की तैसी, इट इज कॉल्ड डेमोक्रेसी। अच्छा, अगर कोई प्रदर्शन करने बैठ जाए तो विरोध सरकारें नहीं करती हैं, अब तो कौन करता है? जनता ही करती है, मतलब पब्लिक पब्लिक को समझा रही है। अच्छा, कि बेटा तुम तो गलती में बैठे हो, ये तो मोदी जी तुम्हारे खिलाफ लाए नहीं है। अच्छा, तो विरोध में अगर सरकार के बैठे हैं तो सरकार क्यों नहीं समझा रही, पब्लिक क्यों समझाती है, पहली बात। दूसरी बात ये कि सरकारें कभी भी रिपीट नहीं होनी चाहिए। देखो अमेरिका में एक ऐसा लॉ है ना कि कोई भी दो बार से ज्यादा नहीं बन सकता, शायद मैंने सुना है। अच्छा, पता नहीं मैं सही हूँ कि गलत हूँ, लेकिन सुना है मैंने कि कोई भी दो बार से ज्यादा नहीं बन सकता प्रेसिडेंट। तो किसी के हाथ में सरकारें फिक्स नहीं होनी। अच्छा, इसीलिए आप कह रहे हैं कि सरकार मोदी जी की तीसरी बार नहीं आएगी? मोदी जी ने किया क्या है? क्यों काम नहीं किया देश के लिए? काम किया, मैं एक बार बताओ, मैं आपके घर पे टाइल पत्थर लगा दूं, मार्बल लगा दूं, ठीक है, वॉश बेसिन लगा दूं, घर का वॉशरूम एक नंबर बना दूं, पूरा घर फाइव स्टार के हिसाब से बना दूं, ठीक है, और घर में रहने वाले लोगों को कह दूं कि आपस में लड़ो, और घर में सब एक दूसरे के खिलाफ चक्कू लेके खड़े। कोई काम नहीं किया मोदी सरकार ने? अरे गृह युद्ध की स्थिति पे ला दिया भाई साहब। अच्छा, देश गृह युद्ध की स्थिति से गुजर रहा है, कोई आदमी किसी को पसंद नहीं कर रहा। अच्छा, लड़ रहे हैं लोग एक दूसरे से, मानसिक रूप से लड़ रहे हैं, फिजिकली लड़ रहे हैं। अभी मीरा रोड में क्या हुआ, ठीक है, लोगों को मतलब अपने धर्म राम जो दिख रहे हैं दूसरों की मस्जिदों में दिख रहे हैं, गनीमत है यार, लोग अपने धर्म का बिगुल बजाने के नाम पे दूसरे धर्म को नीचा दिखा रहे हैं, ठीक है, तो ये कोई बात है? गृह युद्ध तो है ये। अच्छा, श्रीलंका जो तो कह रहे गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गृह युद्ध करवा रहे हैं। गरीबों के लिए जिस दिन मोदी जी काम कर लेंगे, उस दिन गरीब गरीब नहीं रहेगा और वो सड़कों पर नहीं रहेगा। ये रैलियों में पब्लिक आना बंद, अब कहां सड़कों पर है? अरे तमाम बजरंग दल सड़कों पर ही तो है, मैं कह रहा हूँ, गारंटी दे रहा हूँ, बजरंग दल में जो आगे चंद नेता छोड़ के जो आम बच्चे हैं उसमें, जो 15-16 साल के घूम रहे हैं, हिंदू रक्षा दल में जो घूम रहे हैं, उन बेचारों के घर की स्थिति देख लेना बेचारों की, अगर वो फाइनेंशियली वीक ना हो तो बता देना मुझे। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, 60% ऐसा ही केस निकलेगा, 40% हो सकता है ठीक हो, लेकिन 60% ऐसे ही लोग मिलेंगे जो बेचारे निचले तबके के होंगे, ठीक है, एजुकेशन लैक मार गई होगी उनकी, कोई ना कोई स्थिति आ गई होगी जिससे उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाई होगी, घर की फाइनेंशियल कंडीशन गड़बड़ आ गई होगी। जिस दिन गरीब आदमी इस देश में नहीं रहेगा, जैसे अमेरिका में नहीं है, लोग रैलियों में नहीं जाते अमेरिका में, रशिया में रैलियों में नहीं जाते, फ्रांस में रैलियों में नहीं जाते, लेकिन हमारे देश में रैलियों में भीड़ है, क्योंकि देश में गरीबी है, भुखमरी है, बेरोजगारी है, और ये हकीकत है। क्या लग रहा है चाचा, ये कह रहे हैं कि मोदी जी ने काम नहीं किया देश के लिए? देश के लिए काम तो ठीक ठाक हो रहा है,
ठीक ठाक काम हो रहा था, इनको बताइए ना, ये बोले काम ही नहीं हुआ कुछ। बिल्कुल, जैसे लोग धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं रोजी के लिए, रोटी के लिए, आठ आठ हजार रुपए महीने में खाना में काम कर रहे हैं, टाइम पे पैसा नहीं मिलता है उनको, नौकरी नहीं मिल रही है, बताओ इससे बढ़िया क्या काम चलेगा। चार हजार रुपए रूम का किराया देना, अगर ना सुबह को दिए तो उसे उठा के सामान बाहर फेंक देते हैं। ये रोजगारी चल रही है। आज कोई मोमडन किसी के यहाँ घर लेना चले जाए तो उसको घर नहीं मिल रहा, किराए पे घर नहीं मिल सकता भाई साहब। ठीक है, वजह कुछ नहीं है, ठीक है, एक नॉन वेज वेजिटेरियन को तो समझ में आता है, लेकिन उसके अलावा भी वैसे भी घर मिलने को राजी नहीं है। ठीक है, गाजियाबाद जैसे एरिया में, लोनी जैसे, लोनी गाजियाबाद का लोनी क्षेत्र कितना सा एरिया है, ठीक है, उस लोनी क्षेत्र में पूरे लोनी में क्या बंद है जी, चिकन बंद है जी। ठीक है, कसाईयों ने चिकन बंद कर रखा, क्यों, वहाँ के विधायक का दबाव है जी उधर। ठीक है, अलग चीज है, मतलब बेवजह में लोगों को जा रखा है। ठीक, अब तुम चले जाओ, स्थिति देख लो, कह रहे हैं रोड बनवा दिए मोदी जी ने, इन रोडों के किनारे की कॉलोनियों की हालत तो देखो, खराब है, बिल्कुल खराब है, सड़कें नहीं है, पीने के पानी, लेकिन लोग तो कह रहे हैं सड़कें चमाचम हो गई हैं, शौचालय चमाचम हो गए हैं। अरे सड़कें हाईवे को नहीं कहते भाई साहब, कॉलोनियों में घूमो। मैं कह रहा हूँ अगर आपके पास सैटेलाइट की सुविधा हो तो NH-24 से लगे हुए जितने इलाके हैं सैटेलाइट से जूम कर करके देख लें, बरसात जब आ जाए, बारिश आ जाए, फिर जूम करके देख लें और पता लग जाएगा कि कितनी गलियां बनी हुई है, कितने खरंजे बने हुए हैं, कितनी नाली बनी हुई है। और वो छोड़ो, इलाकों में स्कूल और हॉस्पिटल नहीं है, पूरा गाजियाबाद तो दिल्ली पड़ रहा है। ठीक है, 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के 60% बच्चे गाजियाबाद से दिल्ली जाते हैं पढ़ने, खोड़ा तो सारा ही जाता है। ठीक है, जहाँ जहाँ गाजियाबाद दिल्ली से टच हो रहा है वहाँ के सारे बच्चे दिल्ली, पूरा गाजियाबाद इलाज दिल्ली कराता है। ठीक है, तो यूपी में है क्या, कुछ भी नहीं है, सरकारी अस्पताल मायावती ने बनवाया था, उसके बाद बताओ योगी जी ने कौन सा सरकारी अस्पताल। योगी जी ने तो हरा भरा कर रखा है, योगी जी ने यूपी हरा भरा कर रखा है, कहाँ हरा भरा कर रखा है, कहाँ हरा भरा है मुझे बताओ, है ही नहीं। ग्रेटर नोएडा देख लो, गाजियाबाद, नोएडा अथॉरिटी पहले से हरी भरी है, जब से बनी है तब से हरी भरी है, और मायावती का बसाया हुआ है। ठीक है, और योगी सरकार ने भी काम नहीं किया, मोदी सरकार ने भी काम नहीं किया, आप केवल यही विरोध करने के काम क्या जानते हो, आप काम से क्या मुराद करते हो बताओ। अच्छा, काम क्या, जब मेरी कोई भी बंदा यहाँ मौजूद हो, 2014 का बैंक अकाउंट बैलेंस देख ले, या बैंक की नाव छोड़ो अपने। मैडम आपको क्या लगता है, काम नहीं किया, क्यों नहीं कर रहे मोदी जी, क्या काम नहीं कर रहे, आवास योजना मोदी जी ने दी है, ठीक है, रोड सड़कें सब बनाए, बहरामपुर की हालत इतनी खराब थी, बहरामपुर हमारा इतना सही बन गया है। अब ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों को घर नहीं दिया जा रहा, जैसे सोचे वैसे तो रहेगा, तुम सोच रहे हो कि हिंदुस्तान में रह के खा यहाँ करे हो, गा तुम पाकिस्तान करे हो, तो चले जाओ पाकिस्तान, क्यों हो हिंदुस्तान में, ठीक है, क्यों हो हिंदुस्तान में भाई, मैं पूछ रही हूँ, पाकिस्तान का गा रहे हो, खाते हो, अगर कंपनी, अभी मैं जॉब करके आ रही हूँ, कंपनी में कई लड़कियां ऐसी है जो ये नहीं बोलती हिंदुस्तान की जय, मैं देशभक्त हूँ, मैं अपने माँ बाप की भक्त हूँ, कुछ भी हूँ। अभी बताइए, मुसलमानों को देशभक्ति का पाठ पढ़ाते ये चंद लोग हैं, चंद, और इनको खुद नहीं पता होगा, वंदे मातरम की चार लाइनें सुनना चाहता हूँ। आप क्या हो ये बताओ, आप क्या हो ये बताओ, नहीं, मैं देशभक्त हूँ और भारतीय हूँ। गलत बोल रहे हो, मोदी जी योगी जी के बारे में, देशभक्ति पे सवाल किया, अगर ये देशभक्त है तो वंदे मातरम की चार लाइन सुना दो, कोई बात नहीं, सुना दो मैडम, आज सुना दो, जस्टिफाई कर दो अपनी देशभक्ति, चार लाइन सुना दो वंदे मातरम की, वंदे मातरम की, देखो मुझे फिलहाल ऐसी रियलिटी निकलेगी, ये जितने लोग हैं ना जिनको मुसलमानों में पाकिस्तानी वंदे मातरम, ठीक है, वही लोग हैं जिन्हें वंदे मातरम याद नहीं, जिन्हें राष्ट्र का रा नहीं पता, जिसे देश का दा नहीं पता, वो देश के बारे में बताने लग रहे हैं, भाई गा रहे उनके बारे में, ये इनको नहीं, सेफ है ना, हम सेफ हैं, ठीक है, बहुत, क्यों नहीं सेफ है भाई, क्यों नहीं सेफ है, आवास योजना नहीं मिली, आवास योजना नहीं मिली, राशन लॉकडाउन में दो दो बार सबको मिले हैं या नहीं मिले, ठीक है, राष्ट्रीय गान की बात कर रहे हो, ठीक है भैया, गलत बोल रहे हो, ठीक है, गलत बोल रहे हो, क्या नहीं किया योगी मोदी ने, क्या नहीं किया, अभी कर रहे हैं, बताओ क्या, बताता हूँ मैं, बताता हूँ, ये बहरामपुर के अंदर एक इंटर कॉलेज दिखा दे, एक सरकारी अस्पताल दिखा दे, है क्या, स्कूल है, बहरामपुर इंटर कॉलेज बोला मैंने, नहीं, 12वीं तक का कोई स्कूल है, इंटर कॉलेज है, क्यों नहीं है, बहुत है गाजियाबाद में, क्यों नहीं है, कहाँ, क्यों नहीं है, इंदिरापुर, अच्छा एक मिनट, इंदिरापुरम अच्छा एरिया है, गाजियाबाद का इंदिरापुरम तो पॉश एरिया है, हम स्कूल चाहते हैं, हम हॉस्पिटल चाहते हैं, मंदिर बन गया तो वो गलत है।
अरे यार मंदिर बन गया, मंदिर की तो बात ही नहीं हो रही, स्कूल और हॉस्पिटल की बात हो रही है। ये मेरी बहन, ये मेरी बहन कह रही है कि मंदिर बन गया। अभी बिहार में हॉस्पिटल का, राम मंदिर के दिन ही हॉस्पिटल का उद्घाटन किया नीतीश ने और तेजस्वी ने, तो उनकी उसका नाम नहीं है श्री जानकी, उसका भी तो नाम होना चाहिए ना फिर। क्यों कौन मना कर रहा है, बोलो मंदिर जुड़े, बोलो कौन मना कर रहे हैं? क्या चाहते हो आप लोग? योगी मोदी से घर घर आके राशन खाना खिलाए क्या आप लोगों को? प्रधानमंत्री 5 किलो राशन से कुछ नहीं होता, लोगों को सक्षम बना दो, अपना खरीद के खा ले। हाँ, लोगों को सक्षम बना कर रहे हैं और कैसे करेंगे? रुको, सब्र रखो, सब होगा, सब्र रखो। क्यों नहीं सब्र रख रहे हो जब से? इनका कहने का मतलब ये है, पहले इनकी माता ये थी, घर में खाना पकाती थी, पिताजी कमाते थे, 2 भाई बहन 4 हो जो भी, वो भी अच्छा घर परिवार अच्छा सा चल रहा था। आज की स्थिति ये है, अब ये खुद कमाएंगे या हमारी महिला कोई कमाएगी, हमारी बहन बेटी कमाएगी या अपने बच्चों को पढ़ा पाएगी? आज की ये स्थिति खराब है, तो उस लायक बनाओ ना महिलाओं को। क्यों पुलिस में महिलाएं नहीं है, डॉक्टर महिलाएं नहीं है? बड़ा बड़ा पढ़ाओ, बनाओ। इन्होंने बोला पढ़ाएंगे, बढ़ाओ पढ़ाओ, इन्हों को ये पूछना चाहिए कितने स्कूल और कॉलेज बनाए हैं, उसमें पढ़ाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे मेरा योगी? क्यों नहीं बनाएंगे? सब्र रखो, क्यों नहीं बनाएंगे? सब्र रखो, क्यों नहीं बनाएंगे? कब बनाएंगे? जाने के बाद बनाएंगे। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? सपने देख रहे हो? नहीं जाएंगे योगी मोदी, नहीं जाएंगे। वो जाने वाले हैं, वो आप गलत फहमी रहे ना। आप जैसे लोगों जो योगी मोदी जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। अभी बहुत विकास है इंडिया का। अगर आना है ना, अगर आना है तो बैलेट पेपर से आए, ईवीएम से नहीं आए। अगर ईवीएम से आएंगे, योगी मोदी थे हैं और रहेंगे, अब कोई नहीं हटा सकता उन्हें। उनकी औकात है ना, सुनो औकात है ना, तो बैलेट पेपर से चुनाव करके दिखा दें, अगर जीत के दिखा दें तो बता दिए। औकात औकात बहुत है भैया उनकी, औकात बहुत है उनकी, ठीक है औकात है, जब भी वो देश में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। ये वो झूठे वादे उसे हैं, झूठे वादे उसने, उनने क्या करा, उन लोगों ने क्या झूठे वादे करे हैं? देखो झूठे वादे दिए, ये बता दो झूठे वादे, ये कहे भाई साहब सरकारी नौकरी खा गया, जनता की सरकारी नौकरी खा गया। इनसे पूछना योगी का नाम क्या है, असली नाम मालूम है? योगी आदित्यनाथ, बस यही मालूम है। ये है फेसबुक और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की बातें करते हैं, उसका नाम है अजय विष्ट नाम है, ठीक है अजय विष्ट नाम है। जो कुछ मेरी नजर में वो सही है, मेरी नजर में वो सही है, मेरी नजर में वो सही है। अरे सही है तो जानकारी भी तुम लोग के लिए गलत होंगे। सही काम मैडम, आप उनके कुछ सही काम गिना दो, इनको बहुत से सही काम किए भैया उनके। क्या हम पहले सुनो, आज तक मैं जब से बड़ी हुई हूँ आज तक मैंने कभी नहीं सुना हमें आवास योजना मिली, ठीक, सबको लॉकडाउन में सबको खिलाया है, वैक्सीन फ्री लगवाई है सबको, वैक्सीन नहीं लगी आप लोगों को? ऑक्सीजन विदेशों से आ रही, अपने देश में क्यों नहीं है? आप खरीद के लाए हो, आप खरीद के लाए हो, पैसे आपने दिए, पैसे आपने दिए, ये भाई साहब पैसों से ऑक्सीजन नहीं मिली है, पैसों से ऑक्सीजन नहीं मिली है, इतनी कमी है। मोदी के हाथ में 4 लोग बोल रहे हो, मोदी के हाथ में नमक हराम लोग हैं जो ऐसे मोदी, योगी मोदी को बोलते हैं, योगी मोदी सही है अपनी जगह पर, और ये जो ऐसा बोलते हैं तो नमक हराम लोग हैं, नमक हराम देश के नमक हराम लोग हैं, नमक हराम लोग हो। अरे इनका कहने, अरे अभी इन्होंने क्या बोला, जय श्री राम, मतलब धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, मतलब काम के बारे में वोट नहीं मांग रहे हैं, धर्म के नाम। ये लोग धर्म की बात करते हैं, ये हिंदू जिनकी मैं बात करती हूँ, आज तक बाबर मस्जिद था किसी ने नहीं बोला होगा कि क्यों है, लेकिन आज राम मंदिर बन गया ना, इतने हिंदू हैं जो खड़े हो गए, राम मंदिर क्यों बन गया? अरे पूजा, हम तो कह रहे हैं बने, ऐसा जनता का पैसा लगा, कोर्ट ने आदेश दिए। हाँ तो फिर क्या दिक्कत, तो क्या आप लेने क्या दिक्कत है उससे, आदेश लेने गए थे क्या? हमें ये दिक्कत है कि भाई साहब इतने कॉलेज हॉस्पिटल नहीं होंगे, उतने योजना खुलवा रखे हैं, क्यों खुलवा रखे हैं, उसमें कौन से बच्चे की पढ़ाई हो रही है भाई साहब? पढ़ाई कब होगी? कॉलेज खुलवावे, शिक्षा पे टैक्स कम करें, बच्चे जब शिक्षित होंगे, क्योंकि बच्चे उसने कॉलेज बंद करवा, काम तो कर रही है ना सही, कब करेगी? 9 साल में क्या करा है, कौन सा काम उसने? एक ही काम सीखा है कि अगर कॉलेज बनवाएंगे तो बच्चे पढ़ेंगे, पढ़ेंगे तो जवाब पूछेंगे, जवाब हम पे है ही नहीं है। नाज़रीन व सामईन, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ साथियों और मेरी बहनों, जैसा कि अभी आपने इस वीडियो के अंदर सुना है, देखा है कि कुछ नौजवान भी हैं और उसमें नौजवान लड़की भी होती है, यानी देशभक्ति और इसी तरह से बीजेपी सरकार को लेकर के, मोदी जी को लेकर के, कि इस सरकार में रोड नहीं बने, ये नहीं बने, फुला फुला बातें इस वीडियो के अंदर आपने सुनी है। कि उसी बीच एक लड़की से जो है गुफ्तगू होती है, वो कहती है
के पाकिस्तान का नाम लेते हैं, उसको गाते हैं, तो ये हिंदुस्तान छोड़ कर के वहाँ क्यों नहीं जाते हैं। उसी पर इस नौजवान ने जो है उससे एक सवाल किया कि तुम जो है देशभक्ति कहती हो, उसके चार लाइन सुना दीजिए। तो उस लड़की ने जो है चार लाइन नहीं सुनाई हैं। यानी आप देख सकते हैं कि जनता ही के दरमियान जो है हिंदू मज़हब का पाठ ऐसा पढ़ाया गया है कि जहनों के अंदर इतनी खबासतें आज लोगों के भरी पड़ी हैं कि हर वक्त वो हिंदू मुस्लिम करना चाहते हैं और एक दूसरे को जो है तानो तशनी करते हैं, और नेता लोग अपना उल्लू सीधे करने के चक्कर में जो है जनता को जो है आपस में लड़ाते हैं। आप इस वीडियो में देख सकते हैं मेरे दोस्तों, शेयर ज़रूर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।